तो हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय प्रजापति। तो फिर आज एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने आया हूँ कि मर्चेंट नेवी में हम बिना जाने समझे कुछ भी नहीं पता होता है एबीसीडी ना। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी है, आप उठा के देखो और फिर आप डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला ये कि इन्फॉर्मेशन ले लो, पहले इन्फॉर्मेशन ले लो कि मर्चेंट नेवी में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले इन्फॉर्मेशन लो, पूरा अच्छे से नॉलेज लो, नॉलेज गेन करो, फिर आप डिसाइड करो कि मैं मेरा एजुकेशन क्या है, एजुकेशन मेरा क्या है। तो एजुकेशन जो है वो डिसाइड करो कि मेरा एजुकेशन कौन सा बैकग्राउंड का है क्या नहीं है, तो देखो ठीक है। और थर्ड अपना है कोर्स, मेरा क्या करना है, कोर्स मेरा क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, सीसीएमसी करना है, जीपी रेडिंग करना है, डीएनएस करना है, क्या करना है। तो वो हिसाब से आप कोर्स को चूज करो कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। अगर आप कोर्स को चूज कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत क्या होता है, बहुत बार हम कोर्स ही नहीं डिसाइड कर पाते कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, सीसीएमसी करूँ, जीपी रेडिंग करूँ, डीएनएस करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो अगर आपका एजुकेशन साइंस से है तो और भी अच्छा है, ठीक है। और अगर कॉमर्स से है तो भी सही है, और अगर आपका आर्ट्स से है तो भी सही है, ठीक है। तो आप देखो कि कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो हिसाब से आप कोर्स को चूज करो, ठीक है। अगर आपका कॉमर्स है, अगर आपका साइंस है, अच्छा ना परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि कौन से में कितना परसेंटेज चाहिए आपको, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कॉमर्स है, आपका आर्ट्स है, ठीक है, तो भी आप सीसीएमसी जीपी रेडिंग कर सकते हो, बट अदर कोर्स नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। यानी कि डिपेंड करता है कि आपको हाईएस्ट कोर्स करना है तो हिसाब से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल कोर्स करना है 6-6 महीने के, तो आप सीसीएमसी जीपी रेडिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत लोग सीसीएमसी और जीपी रेडिंग का ही कोर्स करते हैं, ठीक है। तो फोर में आपको बताने वाला हूँ, कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हमको क्या प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत 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 जरूरी सवाल है, प्लेसमेंट हमको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कैसे क्या है, तो प्लेसमेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि हर एक वीडियो में सब कुछ बता देना पॉसिबल नहीं होता, 4 से 5 मिनट एक एक वीडियो देखो, फिर उसके बाद हर एक वीडियो, उसके बाद धीरे 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 कंटिन्यू आप अगर देखते जाओगे वीडियो। और काफ़ी लोगों का, मैं ये इवेंट में अपना चैनल नहीं करता, काफ़ी लोगों का चैनल है, तो आप देखो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देती है। आप पूरा डिटेल में लो, कम से कम 100-200 वीडियो देख डालो अगर आपको इस कोर्स में आना है, तो आपके माइंड में पूरा बैठ जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये होता है, ये करने के बाद ऐसे होता है, इसमें एजेंट होते हैं कि नहीं होते, जेन्युइन एजेंट क्या होते हैं और फेक एजेंट क्या होते, सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। और भी अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करो कि मैं आप कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब मैं आपको बताऊँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।